नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुई है उससे निपटने के लिए, उसे फेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज कुछ रिलीफ मेजर्स डिक्लेयर किए हैं। और ये रिलीफ मेजर्स में इनकम टैक्स से रिलेटेड और फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड क्या मेजर्स निकल करके आ रहे हैं, उनका क्या एनालिसिस है, उनका क्या विश्लेषण है, ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इस पहले पोर्शन के अंदर सर, मैं आपके साथ इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, जो रिलीफ सरकार ने बोली है, वो रिलीफ क्या होगी उस पर डिस्कस करूंगा। आज की घोषणाओं से सर, जो रिलीफ निकल करके आ रही है, जो मुख्य रिलीफ है सर उसमें, वो रिलीफ है हमारी डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड, कि डेट एक्सटेंड करने की बात सरकार ने करी है। क्या डेट एक्सटेंड हो रही है सर? एक्सटेंडिंग लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, यानी असेसमेंट ईयर 19-20, जिसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑलरेडी निकल गई है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल डेट तक रिटर्न नहीं भरी तो आपकी लास्ट डेट आ रही थी 31 मार्च 2020। अब सरकार ये कह रही है कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए आपकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न हमने 31 मार्च 2020 से बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दी है। आपको 3 और महीने मिल गए। अगर आपने मार्च 31 तक अपनी रिटर्न भरनी थी जो आपने रेगुलर कोर्स में नहीं भरी, तो आप 3 महीने बाद यानी 30 जून 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी कोई घोषणा नहीं आई कि सेक्शन 234F में जो एक एप्लीकेबल फीस है डिलेड रिटर्न फाइल करने की, 1000 की या 10,000 की, उसमें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन हो, वो रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं दिया गया। दूसरी बात सर, आधार पैन लिंकिंग की जो लास्ट डेट सरकार कह रही थी 31 मार्च 2020 है, उसको भी बढ़ा करके 30 जून 2020 किया जा रहा है। तीसरी बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो के थ्रू भी रिक्वेस्ट करी थी, कि विवाद से विश्वास स्कीम की जो फर्स्ट कट ऑफ डेट है सर, जो कि 31 मार्च 2020 थी, उसको भारत सरकार ने जनहित में 30 जून 2020 कर दिया है। तो नेचुरली अब असेसीज के पास में 30 जून 2020 तक का टाइम आ गया, जिसमें वो अपना डिक्लेरेशन फाइल करने, अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को सही करें, क्योंकि उनको इकोनॉमिक पोजीशन होगी तभी वो विवाद से विश्वास स्कीम में डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएंगे। तो ये एक वेलकम स्टेप है सर, इन टर्म्स ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम पर्टिकुलरली। अब देखिए सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, कि डेट एक्सटेंशन में और किस प्रकार से सरकार ने डेट एक्सटेंशन करी है। सरकार ये कह रही है, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, अप्रूवल ऑर्डर, सेंक्शन ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ अपील, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट्स, एप्लीकेशन रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग बाय द अथॉरिटी एंड एनी कंप्लायंस बाय द टैक्स पेयर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सेविंग इंस्ट्रूमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑफ रोल ओवर बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर डायरेक्ट टैक्सेस एक्ट, इंक्लूडिंग विवाद से विश्वास लॉ, वेयर द टाइम लिमिट वॉज एक्सपायरिंग बिटवीन 20 मार्च 2020 टू 29 जून 2020, शेल बी एक्सटेंडेड टू 30 जून 2020। इसको मैं अलग अलग उदाहरण के थ्रू आपके सामने रख सकता हूं सर। जैसे असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए सेक्शन 148 में इनकम एस्केप्ड असेसमेंट की लास्ट डेट थी 31 मार्च 2020। इस टाइम एक्सटेंशन की वजह से असेसिंग ऑफिसर्स के पास में प्रोबेबली नई ड्यू डेट निकल करके आ जाएगी 30 जून 2020। तब तक वो असेसी को नोटिस दे सकते हैं, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर फायदा होगा। इसी प्रकार से सर, सेक्शन 147 में असेसमेंट करने के लिए विद इन डिपार्टमेंट अप्रूवल्स वगैरह लेनी पड़ती हैं। ऐसे ही सीआईटी से रिवीजन की 263 के केस में भी लिमिट एप्लीकेबल होती है, वो भी यहां पर डेट्स एक्सटेंड होंगी। साथ के साथ सर, जो असेसी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, फाइलिंग ऑफ अपील की टाइम लिमिट भी सर एक्सटेंड हो गई। इसका मतलब समझिए, मान लीजिए मेरे केस में 1 मार्च 2020 को एक ऑर्डर अपील में पास हुआ और मेरे पास उसकी अपील फाइल करने की लास्ट डेट थी से 30 दिन इसके बाद में 31 मार्च 2020।
अब क्योंकि अपील फाइल करने की टाइम लिमिट भी एक्सटेंड कर दी गई है, तो मैं सर उस अपील को अगर 31 मार्च तक नहीं फाइल कर पाया और मैंने 31 मार्च की जगह 30 जून 2020 तक भी अपील फाइल कर दी, और ऐसा ही सर न केवल सीआईटी अपील में, आईटीएटी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह टाइम लिमिट के एक्सटेंशन का इनकम टैक्स के मैटर्स में एसएससी को बेनिफिट मिलेगा। एक और बात सर, गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि जो रोल ओवर बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल गेन का, उसका भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये एक्सटेंशन का बेनिफिट एक एसएससी किस प्रकार से उठा सकता है कि मान लीजिए आपके पास 6 मंथ का टाइम लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यदि आप कोई एनएचएआई बॉन्ड या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड लेना चाहते हैं और सेक्शन 54EC ऑफ इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना चाहते हैं बाय वे ऑफ रीइन्वेस्टमेंट इनटू बॉन्ड, और आपकी 31 मार्च 2020 मान लीजिए ड्यू डेट थी जब 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिलेवेंट कैपिटल एसेट खत्म हो रही थी। अब इस एक्सटेंशन की वजह से, जो डेट एक्सटेंशन यहां दे रही है, आपको 3 महीने की और अवधि मिल जाएगी एनएचएआई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड लेने की। तो ये एक प्रकार का टाइम लिमिट का एक्सटेंशन का बेनिफिट एसएससी को मिलेगा। मैं इसका बेनिफिट और भी तरीके से ऐसे देख सकता हूं कि मान लीजिए मैंने अब से 2 साल पहले कोई एसेट ट्रांसफर करी थी और अब मुझे विद इन 2 ईयर एक नई एसेट खरीदनी थी, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट उठाना था, और इस दौरान ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो मेरा पैसा जमा है इससे मेरे को पैसा निकाल के नया इन्वेस्टमेंट करने की लास्ट डेट थी से फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2020 या 10 अप्रैल 2020। अब क्योंकि मैं कोरोना इफेक्ट की वजह से अपने पैसे का विड्रॉल करके सही समय से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा, तो मुझे अब नई डेट मिल जाएगी 30 जून 2020, तब तक ही मैं वो रीइन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो ये बेनिफिट सर एसएससीज को यहां पर इस डेट एक्सटेंशन का निश्चित रूप से मिलेगा। एक और बात सर जो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है वो है इंटरेस्ट में रिलीफ देने की बात। इंटरेस्ट में रिलीफ की बात क्या है? फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इक्वलाइजेशन लेवी, एसटीटी, सीटीटी मेड बिटवीन 20th of March 2020 एंड 30th of June 2020 रिड्यूस इंटरेस्ट रेट 9% इंस्टीड ऑफ 12 और 18% शेल अप्लाई। इसका मतलब समझिएगा सर, ये कैसे आपको बेनिफिट दे सकती है। हालांकि 9% इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं है, परंतु इसको मैं ऐसे रखूंगा आपके सामने कि मान लीजिए मेरे केस में 31 जनवरी 2020 को एक असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ और मुझे 30 डेज था उस असेसमेंट ऑर्डर के डिमांड को पेमेंट करने का। अब 30 डेज मान लीजिए मेरे केस में 1 जनवरी के ऑर्डर से एक्सपायर हो गए 31 जनवरी 2020 को। अब 31 जनवरी 2020 तक अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो मुझे 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट देना है। अब सरकार ये कह रही है कि यदि आप वो पेमेंट 30 दिन में नहीं कर पाए तो अब तक जो हम 1% का इंटरेस्ट लेते थे वो अब 9% की रेट से आपसे रिकवर करेंगे, यानी वहां पर एक रिलैक्सेशन 3% पर एनम की दे दी गई। इसी प्रकार से सर टीडीएस के मामलों में यदि कोई एसएससी डिफॉल्टर है कि टैक्स काट लिया जमा नहीं कराया, कई बार क्रेडिट की वजह से भी हम टैक्स काटते हैं और जमा नहीं करा पाते, तो ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट कह रही है कि अच्छा जो हम 18% का ब्याज लेते थे वो आपसे 9% का ब्याज ही यानी 0.75% पर मंथ का इंटरेस्ट लेंगे। तो इससे भी सर कुछ रिलीफ एसएससीज तक पहुंचेगी। एक और बात सर, नो लेट फीस पेनल्टी शेल बी चार्ज फॉर डिले रिलेटिंग टू दिस पीरियड। तो इस पीरियड का जो डिले हो रहा है यानी 20 मार्च से लेकर 30 जून के बीच, टीडीएस के मामलों में ये रिलीफ इंपॉर्टेंट है। वहां हमारे को सेक्शन 234E के अंदर एक फीस जो एप्लीकेबल होती है उस फीस के लिए भी सर रिलैक्सेशन की बात इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन के थ्रू की जा रही है। तो ये भी एसएससीज को निश्चित रूप से कुछ हद तक फायदा देने वाली बात है। फाइनेंशियल सर्विसेज में पर्टिकुलरली बैंकिंग रिलेटेड क्या रिलीफ सरकार ने दी है सर, वो एक छोटा सा डिस्कशन और मैं करता हूं आपके साथ। 3 मुख्य बातें की जा रही हैं दोस्तों। पहला, डेबिट कार्ड होल्डर्स टू विड्रॉ कैश फॉर फ्री फ्रॉम एनी अदर बैंक एटीएम फॉर 3 मंथ। जनरली अगर हम दूसरे बैंक के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो आफ्टर सर्टेन ट्रांजेक्शन हमारे को चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं रिलेवेंट बैंक द्वारा। तो यहाँ पर सर अब ये कह दिया गया है कि अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना इफेक्ट, तो आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा अगले 3 महीने तक। वेवर ऑफ मिनिमम बैलेंस फीस भी सरकार ने प्रस्तावित कर दी है।
कई बार ऐसा हो सकता है कि कोरोना इफेक्ट की वजह से मैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाया, तो उसको भी सरकार कह रही है कि अब बैंक आपसे मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं लेंगे। तीसरा, रिड्यूस बैंक चार्जेस फॉर डिजिटल ट्रेड ट्रांजेक्शन फॉर ऑल ट्रेड फाइनेंस कंज्यूमर्स। ट्रेड फाइनेंस कंज्यूमर्स का मतलब क्या है सर, कि जो लोग अपना सीसी लिमिट या किसी प्रकार का बैंक ओडी मेंटेन करते हैं, तो उन ट्रेड फाइनेंस कस्टमर्स के संदर्भ में भी सरकार अब डिजिटल ट्रेड ट्रांजेक्शंस के ऊपर बैंक चार्जेस की रेट कम प्रस्तावित कर रही है। क्या होगी सर ये, हमारे को अलग से सरकार या बैंक्स इन्फॉर्म करेंगे। अंत में दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण हाईलाइट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि हम एक इकोनॉमिक स्टिमुलस भी देंगे, इकोनॉमिक पैकेज देंगे कि किस प्रकार से मार्केट को रिवाइव किया जा सके, इकोनॉमी को रिवाइव किया जा सके, जिसकी अभी घोषणा होनी बाकी है। तो लेट्स सी कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि जो डिस्कशन मैंने आपके साथ में किया है वो निश्चित रूप से फायदा देने वाला है, निश्चित रूप से एसएससीज को कुछ रिलीफ मिलेगी, लेकिन वो उतनी सब्सटेंशियल रिलीफ नहीं है जो करंट इकोनॉमिक सिनारियो में हम सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कल भी ट्वीट करके भी इस तरीके की बात रखी थी कि बहुत सारे लोग जिन्होंने लोन ले रखा है और वो अपने लोन की किस्त का समय से पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें कोई मासिक वेतन का भुगतान नहीं आता, तो किस प्रकार से उन्हें रिलीफ मिले, सरकार को इस विषय में भी निश्चित रूप से जल्दी ही कुछ घोषणा पॉजिटिवली करनी चाहिए। यदि आपके आज से रिलेटेड जो डिस्कशन मैंने किया उस पर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जीएसटी से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी आए हैं, कंपनी लॉ से रिलेटेड कुछ चेंजेस भी आए हैं, और आईबीसी से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस आए हैं जिनकी डिस्कशन मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में नहीं करी, तो आप सेपरेटली उस पर भी अपना ध्यान जरूर रखें कि आपको उनमें क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।